तो यार मीम मीम देखने का शौक तो हर किसी को होता है मैं मीम देख रहा था और एक मीम काफी ज्यादा दिल को छू गया मेरे जो नीट के बच्चे होते हैं भाई अगर जेई का एक फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो उनका क्या रिएक्शन होता है तुम देख सकते हो भाई यही सच्चाई है ठीक है और इसी तरीके से अगर भाई जेई का बच्चा नीट का क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाए तो भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है सो वॉट्स दिस इज्ञास्ट और भाई आज वाली वीडियो होने वाली है यूनिवर्सिटी पे फाइनली आ गई है बहुत महीनों से चितकारा 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 तो मैंने कहा ठीक है धीरे धीरे किया पहले फिर यू किया और अब बारी आ चुकी है चितकारा यूनिवर्सिटी की अब तुम सोच रहे हो कि हमें पहले ही बता दो एल करें चंडीगढ़ जाए या चितकारा जाए तो चंडीगढ़ का भी रिव्यू आएगा पहली चीज और दूसरी चीज ये कंपैरिजन मैंने बिल्कुल लास्ट में किया तो टिकेर है ना कोई जाना नहीं कैमरे से बाहर निकल के खा जाऊंगा मैं बता रहा हूं तो कोई निकल के नहीं जाएगा वीडियो छोड़ के. कैसे होगा सब कुछ भाई, अगर में तुमने किया है तो भाई तुम्हें जरूरत है इस वीडियो को पूरा देखने की तो जल्दी से चलेंगे यार वीडियो की तरफ इससे पहले मैंने बहुत सारे कॉलेजेस कवर कर रखे हैं जैसे मैंने बताया सारे तुम्हारा आईआईटी जाने का सपना है अभी तो एडवांस आ रहा है ठीक है तो अगर ऐसा सपना है तो बॉम्बे डेली कानपुर खड़गपुर मद्रास ऐसे ही एनआईटी सारे टॉप के वारंगल सूरत का राहुल राउलकेला सब कुछ कवर किया हुआ है प्राइवेट कॉलेजेस बिट्स पिलानी बिट्स गोवा ठीक है गोवा के बीच का कुछ ऐसा मन है तो वो कवर किया हुआ है एम किया हुआ है एलपीयू किया हुआ है और भी प्राइवेट कॉलेजेस आ रहे होंगे तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है सारी प्ले लिस्ट तुम्हें जल्दी से दिख जाएंगे आई बटन पे भी मिल जाएगी लास्ट में देख रहे होंगे यार चितकारा यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर तो यहाँ पे टाइम स्टैम मिल जाएगा वो जाके देख लेना लाइक like अभी करने को नहीं कहूंगा ठीक है अभी वीडियो देख लो पसंद आए तो कर देना लाइक ठीक है अभी अभी नहीं अभी नहीं लेकिन कॉमेंट जरूर कर दो और कॉमेंट में जाके तुम्हें लिखना है चितकारा ओपी ठीक है चितकारा ओपी मचा देनी है पूरे कॉमेंट बॉक्स में जो भी लिखेगा सबको एक प्यार लाल दिल मिल जाएगा तो सारे लोग आ रहे बार, 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 बार बोल रहा हूं दबा दो बहुत कम लोगों ने दबा रखी है सब लोगों को ऑल नोटिफिकेशन की जो घंटी दबानी होती है वो दबा देनी है और जल्दी से चलते हैं यार वीडियो की तरफ कितनी बार बोलेगा जल्दी से चलते हैं अब चल रहे हैं फाइनल फाइनल हो गया चलो चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी ये देखो कैंपस काफी ज्यादा सुंदर है लास्ट में कैंपस टूर आ रहा है रुके रहना सम की बात कर लेते हैं ठीक है हुआ था 2010 में काफी ज्यादा नई यूनिवर्सिटी है दस साल पुरानी है ठीक है पांच छह बैचेस ही पास आउट हुए हैं यहां से दो कैंपसेज है एक है राजपुरा पंजाब में और एक है बद्दी हिमाचल प्रदेश में ठीक है आज हम मेन कैंपस की बात कर रहे होंगे एक काफी खराब चीज तुम्हें जो लगेगी खराब चीज यह है कि स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो तुम्हें मिलता है फ्लोट करने का मौका अपने नए नए कपड़े चमकाने का जैसे मैं यही पहन रखी है टी शर्ट बढ़िया सी लेकिन ऐसी टी शर्ट को भाई पहनने का मौका चिता यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा मनीपुर इन लैंग्वेज यून अंडरस्टैंड इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म है भाई तो यूनिफॉर्म कंपलसरी है काफी बुरी चीज लगी यूनिवर्सिटी अच्छी है लेकिन कंपलसरी यूनिफॉर्म ऐसे दिल को भाई टक्कर सी लगती है

ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं फीस की बात कर लेते हैं कॉलेज की तो यार इंस्टीट्यूट हॉस्टल और मेस फीस पर सेमेस्टर होते लाख तीस हजार रुपए तो तुम्हारी बेटा लगभग दस से ग्यारह लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगी चितकारा यूनिवर्सिटी से रीजनेबल अमाउंट है भाई सारे जो एनआईटीज है डी टी वो एन एस हर की इतनी फीस है ठीक है तो सही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं अब तुम्हारा जो सपना है भाई ठीक है पैसा ही पैसा होगा <laughs> पैसा ही पैसा होगा और तुम्हें दूसरे हैंड पे ये लग रहा होगा कि पैसा बर्बाद पे तो दोनों चीजें ट्रू नहीं है ठीक है बीच वाला केस है 500 से ज्यादा कंपनीज आती हैं लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर मीडियोकर मास रिक्रूटर्स इसका क्या मतलब है यार कि तुम्हारी जो नौकरी लगेगी यार वो मोस्टली बहुत ज्यादा हाई चांस है कि ढाई से चार लाख रुपए के बीच में लगेगी ढाई थोड़ा कम बोल दिया ठीक है तीन लाख मान लो ये

वो वाली चीज भी तुम्हारे साथ हो सकती है ओवरऑल एवरेज जो सीटीसी था वो रहा यार 4.25 लाख और कंप्यूटर साइंस का पैकेज साढ़े पाँच से छह लाख रुपए में फ्लक्चुएट करता है ये एवरेज पैकेज साढ़े पाँच से छ लाख इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वाली जो कंपनीज है इनके पैकेजेस जनरली हाई रहते हैं तो इसकी वजह से वो बूस्टअप हो जाता है पैकेज लेकिन मीडियम पैकेज की बात करें तो यार वो कम ही रहता है इतना अच्छा नहीं है इसके बाद एमेजोन ने हाइएस्ट पैकेज दिया था थर्टी वन पर एन का सिर्फ इतने बड़े कॉलेज में डेढ़ ,00 समझ रहे हो थे तीन सौ अस्सी ऑफर्स थे लगभग आठ लाख के करीब और स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिली थी सेवेंटी फाइव थाउजेंड की तो इंटर्नशिप का सीन सॉर्टेड है मेहनत करो इंटर्नशिप अच्छी मिल जाएगी लेकिन अगर तीन सौ अस्सी और एक सौ पचास मिला लेते हैं हम तो ये भाई हमारा सिर्फ फाइव थर्टी स्टूडेंट्स बनते हैं लगभग तो इतने बड़े कॉलेज में जिसमें भाई इतनी सारी सीट है तीन हजार उसमें से पांच सौ तीस बच्चे ऐसे हैं जिनको आठ लाख से ऊपर मिला है तो मतलब ऑफ कॉलेज जो है 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 वो इससे इससे नीचे नीचे ही रहता है, तो इससे पता चल जाता पैकेजेस इतने अच्छे नहीं है मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो यार इस कॉलेज के है, वो रिक्रूटर्स के साथ ही जाते हैं विप्रो होता है इन्फोसिस होता है ठीक है टीसीएस होता है इन्हीं के साथ यार सारे स्टूडेंट्स बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेस हो जाते हैं तो प्लेसमेंट्स का इतना अच्छा सीन नहीं है लेकिन इट बेटर देन कारण जिसको हम कहते आर तुमने कितना पैसा लगाया, और तुम्हें कितना पैसा मिला उसमें यहां पे थोड़ा सा अच्छा है चितकारा यूनिवर्सिटी का आगे बढ़ने से पहले यार एक बात करना चाहता हूं तुम सबसे ठीक है दो मिनट दे दो उसके बाद आगे चलते हैं रिव्यू की तरफ मेरे पास यार एक यारेल आया बच्चे का वो कहता कि... मेरी लाइफ में ना भैया मेरे बहुत बड़े एम्स हैं मैंने बहुत बड़े एम्स रखे हुए हैं मैं चाहता हूँ मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ूँ ठीक है मेरे पास एक ऐसे बड़ा सा बंगला हो ये सब मेरे को चाहिए ये मेरे ड्रीम्स हैं शायद तुम्हारे भी होंगे तुम देख रहे हो इस वीडियो को लेकिन उसने कहा कि मैं उसके लिए मेहनत नहीं कर पाता उतनी समझ रहे हो मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं पर मैं उसके लिए काम नहीं करता तो क्या सॉल्यूशन है सोल्यूशन यार मैं सच्ची बता रहा हूं मैंने एक वर्ड लिखा उसे ठीक है मैपिंग होराइजन्स तुम पूछोगे क्या है मैपिंग होराइजन्स मैपिंग होराइजन यार मेरे फ्रेंड की बुक है ठीक है तुम्हारे जितना यह कोई बड़ा नहीं है तुमसे ठीक है अब तुम्हें आदत है कि कौन है ये फ्रेंड क्या है प्रमोशन कर रहे हो कोई प्रमोशन नहीं है ठीक है दोस्त है मेरा मैंने पूरी बुक पढ़ी है और मैं इतना ज्यादा यार अफेक्ट हुआ हूं ना इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ रेकमेंड कर रहा हूँ उसे पढ़ने के लिए अब तुम्हें भाई मतलब होता है ना कि क्रेडेंशियल बताओ आपकी उस बंदे की रैंक क्या थी ये बताओ हमें वो कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है कौन से आई में पढ़ रहा है तो ही पढ़ेंगे हम बुक तो यार वो स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है ट्वेल्थ क्लास के बाद स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है इंडिया से यार मुश्किल से पांच या छः बच्चे हर साल जाते हैं स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में ठीक है तो उसका एडमिशन हुआ है और उसने ये बुक अभी लिखी है ठीक है लॉकडाउन में उसने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करी है जेई का ही था ठीक है एस्पेरेंट तुम्हारी तरह कोई बड़ी बात नहीं है जेई का एस्पेरेंट था और उसने अपनी जर्नी शेयर करी कि किस तरीके से ही वॉज एबल टू गेट इन टू स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फॉरन यूनिवर्सिटीज़ पर वीडियो बनाओ सब कुछ इस बुक के अंदर लिखा है ठीक है मैंने यार किंडल वर्जन खरीदा था तो मैं अमेजोन और नोशन प्रेस दोनों वेबसाइट्स हैं ठीक है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में ये रहा ठीक है मेरी कॉपी मैंने खरीदी थी मैं यार एक दिन में पढ़ ली मेरी क्लासेस चल रही हैं कॉलेज में और मेरे को याद है मैं क्लासेस छोड़ के ये बुक पढ़ने लग रहा था किस तरीके से मतलब मैं तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है कि कहते हो ना कि मेरे ड्रीम्स बड़े हैं पर मैं मेहनत नहीं कर सकता मेहनत करना इस बुक में सिखाई कि कितनी मेहनत चाहिए होती है स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी एक टैग नहीं है यार उसके पीछे का जो सारा मेहनत है जो स्ट्रगल किया है बंदे ने वो इस बुक में लिखा है और इस बुक को पढ़ के यार तुम्हें तो पता चलता है कि लाइफ यार मतलब इजी किसी के लिए नहीं होती जो आज यहाँ पे बैठा है ना उसने उसके लिए मजदूरी मचाई है यार पूरी तो यार इस बुक को खरीदने के बाद अगर तुम इंस्टाग्राम पे ठीक है स्टोरी या पोस्ट डालोगे हम दोनों को टैग कर देना अभिनव का हैंडल है रियल अभी नाइनटीन ठीक है आर ई एल ए बी एच आई नाइनटीन ठीक है उसे और मेरे को टैग कर देना एट यस जीस पे तो यार जो भी पांच लोग होंगे जो खरीदेंगे ठीक है इस बुक को उसको अभिनव बिल्कुल हेल्प करेगा ठीक है उसके मतलब जो कॉलेज के एसेज होते हैं अगर तुम किसी भी यूएस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो मैं पता है एसेज लिखने होते हैं बड़े बड़े एकदम सुंदर जो एसेज

रिकमेंडेड है यार ये बुक ठीक है। एंड फैसिलिटीज की की बात कर लेते हैं कॉलेज तो एक प्रॉपर फूड है यूनिवर्सिटी के अंदर सोलह से उन्नीस आउटलेट है तो खाना पीना एकदम सॉर्टेड है।, है बहुत तेज हो रहा सीसीडी और अमूल ये भी प्रेजेंट है बहुत सारे ढाबे भी है ठीक है कॉलेज के अंदर अंदर नहीं मतलब बाहर ठीक है कॉलेज के जस्ट बाहर पंजाब वाला एकदम बढ़िया सा माहौल तुम्हें मिल जाएगा सलॉन्टनरी स्टेशनरी शॉप्स 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी सब कुछ है स्पीड ओके ठीक है, है ज्यादा अच्छी भी नहीं कि ऐसे वो बाल उड़ जाते हैं ना ऐसी भी नहीं है और भाई ठीक है मतलब सेंट्रल एयर कंडीशन लाइब्रेरी है डेढ़ लाख से ज्यादा किताबें ग्रेट इंक्यूबेटर है इंक्यूबेटर काफी ज्यादा अच्छा है चित यूनिवर्सिटी का तो तुम सोच रहे हो कि मेर को नहीं उठानी ढाई तीन लाख रुपए की जॉब अपन तो जाएंगे एक स्टार्टअप करने तो काफी ज्यादा बढ़िया चितकारा का इंक्यूबेटर है सौ से ज्यादा स्टार्टअप यहाँ पे रनिंग है स्मार्ट क्लास ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है टेनिस बास्केटबॉल फुटबॉल हॉकी क्रिकेट ठीक है बैडमिंटन ये तो मैं पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एकदम टॉप नॉच है एमओ यू साइंड यार ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साथ तो तुम्हें अगर सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम बाहर बनाना है ठीक है अपने फॉरनर दोस्त फ्रेंड्स और फ्रेंडिस ठीक है दोनों बनानी है तो तुम इसके लिए अः कर सकते हो ऑप्ट काफी अच्छा भाई इनका इंटरनेशनल रिलेशन का सेल है हॉस्टल की बात कर लेते हैं तो छह हॉस्टल हैं कॉलेज के अंदर सारे टाइप के रूम मिल जाएंगे दो तीन चार ठीक है फीस में डिफरेंस आएगा फीस ऊंची होती जाएगी लेकिन सारे ऑप्शन मिल जाएंगे रूम जो है सेमी फर्निश्ड होता है बेड मैट्रेस स्टडी टेबल चेयर एलमेरा सब कुछ मिल जाएगा कफ्यू टाइमिंग्स है समवर्ट फ्लेक्सीबल है लेकिन भाई कोशिश करना दस पीएम से पहले पहले स्टल के अंदर घुस जाओ या टाप जाओ ठीक है कॉमन टीवी रूम है योगा रूम है और टेबल टेनिस रूम भी है ऑफ हॉस्टल अच्छा है और की क्लीनलीनेस वगैरह भी सही है. ये मैंने एक रूम की फोटो लगा रखी है हॉस्टल मैस की बात कर लेते हैं जल्दी से तो फूड इज एडेबल ठीक है जैसा नॉर्मल मैसेज होता है तुम्हें पता है हर बार बोल चुका हूं तो नॉर्मल है वेज और नॉनवेज दोनों चीजें मिल जाएगी नॉर्थ और साउथ इंडियन फूड दोनों तुम्हें मिल जाएगा पनीर और छोले भटूरे आर गिवन वीक दिन में ही खाए भाई लेकिन रात को शूट कर रहा हूँ अभी भी मुंह में पानी सा आ गया मैं क्या फिर जॉब छोड़ दू <laughs> लेकिन कोई बात नहीं तुम्हें भी हर हफ्ते पनीर छोले भटूरे दोनों मिलेंगे थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सियल से टॉपिक पे आ जाते हैं वाई यू शुड नॉट ज्वाइन चितकारा यूनिवर्सिटी तो इसके थोड़े से कारण देखो हाई इनटेक ठीक है बहुत ज्यादा बच्चे हैं कैंपस पे मेजोरिटीज जो हैं सारे कंप्यूटर साइंस वाली स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं तो जब प्लेसमेंट होगी तो कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है तुम्हारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ठीक है मतलब वही एक आम टंगा हुआ है पेड़ पे और ऐसे पांच बंदर लपके उसे या सौ बंदर लपके वो वाली चीज है तो इस वजह से, आउट अगर तुम सबसे बढ़िया बंदर नहीं हो ठीक है जंप करने में और उस आम को झड़पने में तो थोड़ी सी तुम्हें तो दिक्कत हो सकती है तो अगर अगर नहीं कर पाए स्टैंड आउट तो विल बी वर्किंग फॉर अ मास रिक्रूटर फॉर अल सैलरी तो मैं ऐसा नहीं चाहता तुम्हारे साथ हो तो कॉलेज जाके मेहनत करनी है ठीक है चितकारा यूनिवर्सिटी में टॉप मारना है एकदम बढ़िया सा मोस्ट स्टूडेंट्स जो है यार वो क्लासेस अटेंडेंस के लिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये 75 क्राइटेरिया का यहां पे चक्कर है अगर 75 परसेंट से कम तुम्हारी अटेंडेंस हो जाती है तो तुम्हें सेमेस्टर एग्जाम्स ही देने नहीं दिया जाता है विच इज प्रेटी बैड लेकिन यह होता है भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अब दो चीजें डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोज है तुम्हें क्यों ज्वाइन करना चाहिए चितकारा यूनिवर्सिटी तो देखो अगर तुम्हारा जेई मीन क्लियर नहीं हुआ है तो ये एक काफी अच्छी चॉइस हो सकती है To other in North India. क्योंकि के अंदर की कोई भी कमी नहीं है सपोर्ट मिलेगा स्टूडेंट्स को जो एकदम वर्क करने के लिए तैयार है कोई दिक्कत की बात नहीं है टीचिंग क्वालिटी काफी अच्छी है अगर हम एलपी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो टीचिंग क्वालिटी काफी ज्यादा सही है फेस्ट की बात कर लेते हैं तो एनुअल कॉलेज के कल्चरल फेस्ट का नाम रंगरेज है नेहा यहाँ पे परफॉर्म कर रखा है फोटो लगा दिया मैंने तो फेस्ट में नाचना है गाना है जो काम करना है सब कुछ कर सकते है कोई दिक्कत की बात नहीं है कंपैरिजन देख लेते हैं जल्दी से यार तो देखो सारे प्राइवेट जो मेजर कॉलेज है तुम पूछते हो उसको मैंने कर दिया है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस तुम्हारी क्या रहनी चाहिए चितकारा ठीक है सबसे ऊपर चंडीगढ़ थोड़ा सा नीचे ठीक है चितकारा चंडीगढ़ में ज्यादा फर्क नहीं है बता रहा हूं मैं उससे पहले लड़ने हो। चितकारा, उससे थोड़ा सा नीचे चंडीगढ़ उसके बाद एमिटी नोएडा फिर लवली और फिर अदर ब्रांचेस ऑफ एमिटी इसका क्या मतलब है अगर तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शंस खुले हुए सब में डायरेक्ट एडमिशन हैं तो तुम्हें सबसे पहले चितकारा को प्रेफरेंस देनी है चितकारा के बाद तुम्हें चंडीगढ़ को देनी है प्रेफरेंस अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है ठीक है तुम देख लो चितकारा चंडीगढ़ में दोनों में कोई फ्लॉ नहीं है इन सारे कॉलेजेस में कवर करें वैसे है भाई ठीक है अच्छे कॉलेज नहीं है पहले ही बता रहा हूं ठीक है ये समझ के बैठो कि डी जैसी या आई जैसी प्लेसमेंट या बिट्स पिलानी जैसी मिलेगी तो वो पॉसिबल नहीं है तुम्हें भी पता है लेकिन इन कॉलेजेस में चितकारा सबसे ऊपर

है तो यार तुम LPU को ठीक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और Amity यूनिवर्सिटी को फेवर कर सकते हो और इसमें थोड़ा ये नीचे चले जाते हैं चितकारा चंडीगढ़ बाकी सब एम Noida नोएडा इसमें एकदम नंबर वन से फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं यार तो देखो चितकारा यूनिवर्सिटी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है किसी भी तरीके से सब कुछ सही है वर्क हार्ड एंड यू आर अशोर्ड ऑफ अ वेरी गुड प्रोफेशनल करियर अगर अच्छे से मेहनत कर सकते हो तो एकदम बढ़िया सा तुम्हारा करियर स्पैन होने वाला है डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है कॉलेज के अंदर ठीक है तो अगर भाई तुम्हें कॉलेज से अंदर बाहर भी जाना है तो तुम्हें पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है तो ये कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है कुछ के लिए नेगेटिव इतनी रेस्ट्रिक्शन जो बद्दी वाला कैंपस है वहां मत जाना ठीक है हो सके तो मेन कैंपस में जाना बद्दी कैंपस इज नो नो बस एक ये चीज देख लो कि तुम्हें अगले चार साल फिर से यूनिफॉर्म पहननी होगी जस्ट लाइक स्कूल तो अगर वो तुम कर सकते हो तो ठीक है ऑल द वेरी बेस्ट और इसके बाद अभी कोई भी डाउट आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे एट यश जीस कुछ दिमाग में चुल मच रही है कि ये तो यश भाई ने क्लियर नहीं किया पॉइंट तो एट एस जीज पे जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हो वीडियो को लाइक करो यार जम के लाइक मारो वीडियो को पूरा भाई चितकारा यूनिवर्सिटी को खोट डाला है तो इस वीडियो पे यार हम एम रख रहे हैं यार बताओ कितना 1500 लाइक्स का एम रख रहा हूं बहुत बड़ा ऑप्टिमिस्टिक एम है है लेकिन पूरा भरोसा है तुम लोग मचाओगे और इस एम को पूरा करेंगे तो पंद्रह लाइक्स का एम है सारे लोगों को लाइक ठोके बिना नहीं जाना है कॉमेंट करना चितकारा ओपी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से जल्दी क्योंकि ऐसे और सारे कॉलेज रिव्यूज आ रहे होंगे कैंपस टूर आ रहा होगा रुक जाओ ठीक है एक एक मिनट लूंगा बस तुम्हारा कैंपस टूर आ रहा होगा बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स देख लो इतने जल्दी से कैंपस टूर का वेट करते हुए वे ठीक है हर जगह कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक स्नैपचैट इंस्टाग्राम लिंकड ठीक है सारे मिल जाएंगे तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसके बाद यार वीडियो को ठीक है लाइक कॉमेंट तुम्हें पता करना है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना बेलाइकन को दबा देना इतना ही चाहता हूँ मैं तुमसे जय नीट आ गया काफ़ी ज़्यादा पास तो लगो हैबिट्स बनाओ अपनी यही मेरी भाई राय है ठीक है अभी तुमने जो हैबिट्स बनाई है लेट उठ रहे हो लेट सो रहे हो उन सबको ब्रेक करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे एग्जाम मोड में आना है मास्क देके बैठो एक कुर्सी पे और तीन घंटे भाई किताब ले पढ़ो मॉक टेस्ट करने वो करो लेकिन कुछ करो ठीक है हिलना नहीं है तीन घंटे कुर्सी से बस चिपक के बैठ जाओ चाहे पढ़ो मत लेकिन तीन घंटे बैठने की आदत तुम्हें होनी चाहिए यही मेरी एडवाइस होगी मिल होंगे यार एक और नई वीडियो में कैंपस टूर आ है जल्दी से देखेंगे कैंपस टूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना Inside my own world of make believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.